हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ एमसीएक्स सिल्वर। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। सिल्वर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी 106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल $90 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक को यूएस फेड के चेयरमैन का कमेंट्री आया जिसमें इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, लेकिन कमेंट्री हॉकिश था जिसके कारण एमसीएक्स सिल्वर ने वीकली चार्ट पे नेगेटिव क्लोजिंग दिया। दोस्तों, यूएस फेड ने बोला है इस साल के अंत तक फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, तो ये सिल्वर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है और आने वाले समय में सिल्वर प्रेशर में रह सकता है। दोस्तों, फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में बोला था कि चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सिल्वर के लिए। चाइनीज़ ऑफिशियल पीएमआई डेटा, एक्सटर्नल डिमांड्स चाइना में घट रहा है और एक्सपोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों, एज पर केगजिन पीएमआई डेटा फोरकास्ट था 51.2 और डेटा आया है 50.6। दोस्तों, ये जो सारे फैक्टर है ये सिल्वर के लिए निगेटिव होने वाले हैं और आने वाले वीक में सिल्वर अंडर प्रेशर रह सकता है। अभी हम लोग वीकली चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो 68,000 से 68,800 का जो रेंज है ये सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आने वाले वीक में अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब जो है सिल्वर में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। हायर लेवल्स पे सिल्वर के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और अभी जो ट्रेंड है सिल्वर का ये सेल ऑन राइज का है। अभी हम लोग डेली चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो एज पर डेली चार्ट 72,000 बन गया है सिल्वर के लिए न्यू रेजिस्टेंस। 2000 के नीचे 71,600 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 68,000 से 68,800 का जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। एज पर डेली चार्ट सिल्वर माइक्रो का जो ट्रेंड है ये सेल ऑन राइस का है और अगर आप लोग न्यू बाइंग पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तब जो है आप लोगों को 68,000 से 68,800 के रेंज के लिए वेट करना होगा क्योंकि इस रेंज के पास जो है सिल्वर सपोर्ट ले सकता है। अभी हम लोग 4 आवर के चार्ट पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, इस पर 4 आवर चार्ट 72,000 से 72,500 का जो रेंज है यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और 70,500 से 71,000 का रेंज जो है यह भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। दोस्तों, इस पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए जो है हायर लेवल्स पे सिल्वर बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि हायर लेवल्स पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है और जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाएगा तब जो है फिर से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। दोस्तों, यूएस फेड के कमेंट्री के बाद सिल्वर का सेंटीमेंट जो है साइडवेज टू बेयरिश हो गया है, इसीलिए अगर हायर लेवल्स पे आप लोगों ने बाय किया हुआ है तब जो है आप लोग जो है 68,000 के लेवल के लिए वेट करना है और 68,000 के लेवल पर फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर सिल्वर 68,000 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है 64,000 से 65,000 का लेवल भी सिल्वर में दिख सकता है। अभी हम लोग बायर्स के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हायर लेवल्स पे बाय किया हुआ है तब जो है आप लोग 68,000 में फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं और 68,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तब जो है 64,000-65,000 के रेंज में फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बायर्स के लिए और एक स्ट्रेटेजी बन सकता है, अगर आप लोगों ने नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन लिया है तब जो है आप लोग फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग पोजीशन इक्वल क्वांटिटी का ऐड करके काउंटर ट्रेड ले सकते हैं और बाइंग साइड में जो लॉस होने वाला है आने वाले समय में उसको आप लोग सेलिंग साइड से रिकवर कर सकते हैं। काउंटर ट्रेड स्ट्रेटेजी जो है वो रिस्की होता है और आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ऐसा प्लानिंग कीजिएगा। अभी हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर लेते हैं। सिल्वर का वीकली क्लोजिंग 70,000 के पास था
और हायर लेवल्स पे सिल्वर पे सेलिंग पोजीशन ऐड किया जा सकता है। अगर सिल्वर हायर लेवल्स पे जाता है तब जो है फिर से यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है सिल्वर का ये सेल ऑन राइज है, और सिल्वर माइक्रो के एनालिसिस से आप लोग सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा में भी ट्रेड प्लान बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।